माई चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। मैं हाजी रोशन आज लेकर आया हूं आपके सामने नाइन्थ क्लास की 1.1 पोयम वॉक अ लिटिल स्लोअर। इस पोयम को मैं इसलिए लेकर आया हूं कि पिछले साल मैंने जो नाइन्थ के दूसरी पोयम्स है उनके एक्सप्लेनेशन अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं। चूंकि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत लेट की थी और ये पोयम उसमें अपलोड करना मैं नहीं कर सका था, तो अब उसे कंप्लीट करते हुए इस पहली पोयम के एक्सप्लेनेशन को भी मैं उसमें अपलोड कर रहा हूं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, अपने इंकरेजमेंट के कॉमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है मेरे इस चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द एक ऑफिशियल चैनल बन जाए। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने स्टूडेंट्स को करने लगाए, अपने दोस्तों को करने लगाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी नाइन्थ क्लास की पहली पोयम वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी। इसके जो पोएट है वो अननोन है, यानी इनके बारे में पता नहीं है कि ये पोयम किसने लिखा है। वॉक अ लिटिल स्लोअर मतलब धीरे धीरे चलिए। ये एक जो है छोटे से बच्चे की अपने वालिद से गुजारिश है, वो उन्हें धीरे धीरे चलने के लिए कहता है। यहां इसका मतलब ये नहीं कि पैरों से धीरे धीरे चलना, बल्कि वो बच्चा अपने वालिद से ये कहता है कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं, मैं आपकी तरह कामयाब बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेस एज यू आर, आई वॉन्ट टू फॉलो टू यू वॉट यू आर बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम एज यू। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, इसलिए जो है आप मुझे सही तरीके से रहनुमाई करें। इस पोयम के अंदर उस बच्चे ने अपने वालिद से यह गुजारिश की है, और ये वजह भी बताई है कि वो उनके जैसा क्यों बनना चाहता है। वो उनके जैसा इसलिए बनना चाहता है ताकि आगे चलकर जब वो भी किसी बच्चे का बाप बने तो उसका बच्चा अगर उसे फॉलो करना चाहे तो मैं अगर खुद कामयाब रहूंगा तो मेरा बच्चा भी कामयाब बनेगा। इसलिए मैं आपकी तरह कामयाब बनना चाहता हूं ताकि मेरा बेटा भी कामयाब बने। तो चलिए आइए इस पोयम की शुरुआत करते हैं। चार स्टैंजा की ये पोयम है। पहला स्टैंजा, वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, सेट अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल, आई एम फॉलोइंग इन यूर फुट स्टेप्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू फॉल। मतलब एक बच्चा अपने वालिद से गुजारिश कर रहा है कि आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइए डैडी, ताकि मैं जो हूं आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूं, मैं आपके कदम पे कदम रखते हुए चल रहा हूं। एंड आई डोंट वॉन्ट टू फॉल, और मैं गिरना नहीं चाहता। अब मैं गिरना नहीं चाहता और आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो बच्चा अपने वालिद की तरह कामयाब बनना चाहता है, उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वो अपने वालिद से गुजारिश कर रहा है कि वो उसे धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी की कामयाबी की तमाम बातें सिखाते रहे, ताकि वो डोंट फॉल मतलब वो गिरे ना, मतलब वो नाकामयाब ना हो, वो अपनी जिंदगी में नाकामयाब ना हो, बल्कि वो भी आप ही की तरह कामयाब बने। इसलिए आप धीरे धीरे उसको जिंदगी के तमाम चीजों के बारे में बताते रहिए। सेकंड जो स्टैंजा है, सम टाइम योर स्टेप आर वेरी फास्ट, सम टाइम्स दे आर हार्ड टू सी, सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर यू आर लीडिंग मी। मतलब ये बच्चा फिर अपने वालिद से गुजारिश करता है और कहता है, शिकायत करते हुए कहता है कि कभी कभी आपके कदम बहुत तेज हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि वो मुश्किल से नजर आते हैं। आप मेरा मुझे मेरे रहनुमा है, आप यू आर लीडिंग मी, आप मेरी रहनुमाई करने वाले हो, आप मेरे मुझे रास्ता दिखाने वाले हो, इसलिए जो है तो आप धीरे धीरे चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अपने वालिद की बारीक से बारीक चीजों का मुशाहिदा करना चाहता है, एक एक चीज को बगौर देखना चाहता है, हर चीज पर गौर और फिक्र करना चाहता है। इसलिए अपने वालिद को कह रहा है कि आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी के स्टेप बढ़ाइए, ताकि मैं आपकी जिंदगी की एक एक चीज का मुआयना कर सकूं और उन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर सकूं।
ये इस दूसरे स्टेंजा का मतलब है, क्योंकि एक वालिद जो है उसके रोल मॉडल है. द फादर इज अ रोल मॉडल ऑफ द चाइल्ड, ही वॉन्ट टू बिकम एज हिज फादर, लाइक एज अ हिज फादर. सो ही रिक्वेस्टेड टू हिज फादर टू वॉक अ लिटिल स्लो इन हिज लाइफ, टू गिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, टू गिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ सक्सेस, बिकॉज ही वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन लाइक एज हिज फादर इज. सो वो अपने फादर की तरह, अपने वालिद की तरह जो है तो सक्सेसफुल बनना चाहता है, इसलिए उनसे गुजारिश कर रहा है कि धीरे धीरे चलिए. तीसरे स्टैंजा के अंदर, समडे वेन आई एम ऑल ग्रोन अप यू आर वॉट आई वॉन्ट टू बी, देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी. तो इस तीसरे स्टैंजा के अंदर बच्चा अपने मुस्तकबिल के बारे में कह रहा है, आने वाले कल के बारे में बयान करते हुए कहता है कि कुछ दिन बाद मैं नौजवान हो जाऊंगा, ग्रोन अप, आई व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, और आज आप जो हो वो मैं कल हूंगा, यानी आज आप एक बच्चे के बाप हो, कल मैं भी एक बच्चे का बाप हूंगा, आज आप जिस मुकाम पर हो कल उस मुकाम पर मैं भी होगा, देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, तब मुझे भी एक छोटा सा बच्चा होगा, मैं भी किसी बच्चे का बाप हूंगा, और हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी, और जैसे मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं, जिस तरह से आप मेरे रोल मॉडल है, उस तरह से मैं भी अपने बच्चे का रोल मॉडल बनूंगा, वो बच्चा भी मेरी तरह कामयाब बनना चाहेगा, इसलिए जो है तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, ताकि मेरा बच्चा भी मेरी तरह बने, क्योंकि आप कामयाब इंसान हो तो आपको देखकर मैं कामयाब बनूंगा, और मुझको देखकर मेरा बेटा कामयाब बनेगा, इसलिए जो है तो अपने वालिद से ये कह रहा है कि मैं आपको जो है तो फॉलो करना चाहता हूं. और लास्ट स्टैंजा के अंदर पोएट कहता है, एंड आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट एंड नो डेट आई वॉज ट्रू, सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर आई मस्ट फॉलो यू. आखिरी स्टैंजा के अंदर बच्चा कहता है कि मैं अपने बच्चे को सही तरीके से लीड करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे की सही रहनुमाई करना चाहता हूं, सही सही तरीके से उसको जिंदगी के रास्ते पर चलाना चाहता हूं, इसलिए जो है मैं यही चाहता कि मैं अपने बच्चे को गलत तालीम दूं, और मैं जानता हूं कि मैं अभी सही हूं, मैं इसलिए सही हूं क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, सो मैं अभी सही हूं, आई एम ट्रू, आई एम राइट, मैं सही हूं, और मैं यही तालीम जो है अपने बच्चों को देना चाहता हूं, ताकि मेरे बच्चे की मैं अच्छी तरह से परवरिश करूं, इसलिए आप धीरे धीरे चलिए ताकि मैं आपको फॉलो कर सकूं, और आपको फॉलो करके आपकी तरह कामयाब बन सकूं, और अपने बच्चे को सही तालीम देकर, सही रहनुमाई देकर उसे भी कामयाब बना सकूं. तो इसके जो ऑर्थर है वो अननोन है, और इस पोयम की जो राइमिंग स्कीम आएगी वो आएगी ए बी सी बी. तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ये ए बी सी बी और ए बी ये किस तरह से राइमिंग स्कीम होती है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो लेकर आने वाला हूं, और फिगर ऑफ स्पीच उर्दू में उसके एक्सप्लेनेशन के साथ उसका भी वीडियो लेकर आने वाला हूं. इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको मेरे तमाम लेटेस्ट वीडियो मिल सके. तो फिर मैं दोबारा आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे इस चैनल को पसंद किया है, और मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो या कोई सजेशन देना हो तो आप जरूर मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर 9822457527 पर जो है तो दे सकते हैं, और मेरे फेसबुक और ट्विटर और की जो लिंक है मेरे व्हाट्सएप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल, आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हो. तो प्लीज सब्सक्राइब ई फॉर यू एक्टिविटीज. थैंक यू.